नामों से जाना जाता है, जैसे रबर प्लांट, फाइकस। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लांट लवर। मैं अर्चना गुप्ता फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा वीडियो। आप देख रहे हैं ये रबर प्लांट है, मैं इसे नर्सरी से लाकर अभी एक महीना पहले ही लगाई हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। रबर प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये अधिकतर एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रबर प्लांट, फाइकस, रबर ट्री। अगर आप किसी ऐसे पौधे को लगाना चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ कम केयर का हो, तो आप रबर प्लांट लगा सकते हैं। ये प्लांट जितना सिंपल दिखता है, पर इसके पत्ते उतने ही खूबसूरत दिखते हैं। आपके घर को ये अलग लुक देने के अलावा यह प्लांट हवा को भी प्यूरीफाई करता है। रबर प्लांट के लिए आप छोटा या बड़ा कोई भी गमला ले लें, उसमें ड्रेनेज के लिए 2-3 होल कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी आराम से निकल जाए। इस पौधे के लिए मिट्टी आप ऐसी तैयार करें जो वेल ड्रेन हो, तो आप कोई भी गार्डन सोयल, बालू और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर पौधे को लगा दें तो पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। इस पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ज़्यादा पानी ना डालें। 4 से 5 दिन में पानी दें, मिट्टी जब सूखी हो तभी पानी दें, वरना पानी न डालें, ज़्यादा पानी से पौधा ख़राब हो जाएगा। इस पौधे को धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इस प्लांट को किसी शेडी एरिया में रखें तो पौधा अच्छा रहेगा। रबर प्लांट को लगाने के बाद उसमें ग्रोथ अगर हो रही है तो आप खाद न डालें, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप 15 से 30 दिनों में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल दें। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली भी आप डाल सकते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। कभी कभी इस पौधे में कीड़े लग जाते हैं, तो आप नीम ऑयल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें तो पौधा हेल्दी रहेगा। रबर प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो आप उसे तुरंत कैंची से काट कर अलग कर दें, वरना पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। इससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। आपका प्लांट ज़्यादा खूबसूरत दिखे, इसके लिए आप हफ्ते में एक बार किसी भी कॉटन कपड़े को गीला कर पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां हमेशा शाइन करेंगी और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट में आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सब का पूरा जीवन पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण की वजह से हम और आप सब लोग शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं। पर्यावरण न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें शांति प्रदान करता है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम सबको मिलकर छोटी सी कोशिश करनी होगी, जिससे हमारा पर्यावरण थोड़ा सुरक्षित हो और प्रदूषण मुक्त हो। काट दिए अगर हमने जंगल, काट दिए अगर हमने जंगल, तो फिर कभी न होगा अपना मंगल। तो दोस्तों, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड टिल देन, बाय बाय।